हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए सबसे सस्ते में बैग बनाने का सबसे आसान तरीका। आप ये बैग 40 रुपये में घर पर ही आसानी से बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने 40 रुपये की फॉर्म ली है मार्केट से, और ये कुछ मेरे पास फैब्रिक पड़ा था। आप चाहें तो पुराना फैब्रिक, कोई भी कॉटन या बेड शीट आपके पास पड़ी हो तो आप वो यूज़ कर सकती हैं। मैंने ये प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, ये प्लेन फैब्रिक लिया है, और इसे बनाने के लिए मेरे पास एक पुराना बैग पड़ा था जिसकी मैंने ये ज़िप निकाल ली है, तो इसे मैं बैग के अंदर लगाऊंगी। तो चलिए इसे बनाने का फुल प्रोसेस देख लेते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने ये फॉर्म को और फैब्रिक को कुछ इस तरह से रख के कट कर लिया है। ये जो फॉर्म ली है मैंने, इसकी विड्थ ली है मैंने 9 इंच और लेंथ ली है मैंने 35 इंच, और मैंने कुछ इस तरह से इसको देखिए कट कर लिया है और पिनिप से सिक्योर कर लिया है। अब इसका अंदर वाला जो भाग है उसे भी कट कर लिया है मैंने कुछ इस तरह से। इसकी जो लंबाई है, ये जो बैक वाला फैब्रिक है, तो इसकी मैंने जो विड्थ ली है वो ली है 20 इंच, और इसकी जो लेंथ है वो ली है मैंने 41 इंच, और इस तरह से डबल इसको रख करके मैंने कट कर लिया है। अब देखिए मैंने इसको इस तरह से नीचे और ऊपर की तरफ दोनों तरफ लगा के पिनों से सिक्योर कर लिया, ताकि मैं आसानी से इस पर सिलाई लगा सकूँ। इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैंने कुछ इस तरह से इस पर सिलाई लगा ली है, दोनों साइडों पे मैंने चारों तरफ इस पर सिलाई लगा ली है, और इसको मैंने इस तरह से फोल्ड करके रखना है और बीच में से एक नोच लगा लेना है। तो मैंने ये बीच में से एक नोच लगा लिया है, और जो हमारी दूसरी वाली लंबी वाली पट्टी थी उसको भी इस तरह से बीच में से हम नोच लगा लेंगे, और इसको यहाँ से बिल्कुल सेंटर से सेंटर मिला के मैं इसे पिन से सिक्योर कर लूँगी, ताकि इसे सिलाई में करते टाइम ये हिले नहीं। तो मैंने इसका सेंटर से सेंटर मिला कर के सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने सिलाई इस पर लगा ली है, ये कुछ इस तरह से बनकर आया है। अब मुझे क्या करना है, इसको मैं इस तरह से किनारी लगा करके इस पर मैं सिलाई लगा लूँगी। फ्रेंड्स, इतना इजी मेथड है ना, अगर आप देखोगे मेरी वीडियो को फुल देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी आसानी से ये बैग तैयार बनकर तैयार हो गया। तो इस तरह से मैं इस पर पूरे पे सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए ये मैं इस पर इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, इस तरह से सेंटर से सेंटर रख के इस पर सिलाई लगाना है। सो फ्रेंड्स, बनने के बाद ये बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो मैं दिखाऊंगी आपको ये बनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है। इसमें आप इसे काफ़ी सारे इसमें कपड़े अपने रख सकते हैं, जो आपके पास बेडशीट वगैरह होती है वो भी आप इसमें रख सकते हैं, और ये बहुत ही आसानी के साथ कहीं पर भी रख लिया जाता है। तो इस तरह से मैं इस पर पूरी पे सिलाई लगा लूँगी। तो देखिए इस तरह से इसे घुमा घुमा के हमें पूरी पे सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से लास्ट का रह गया था, इसे सेंटर वाला हिस्सा रह गया था, तो ये मैं सेंटर से सेंटर में ला के इसे भी सिलाई यहाँ तक लगा लूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे सिलाई लगानी है, और हमें यहाँ पे सिलाई रोकने के बाद फिर हमें इस तरह से इसको टर्न करना है। नीचे वाले हिस्से को हमें टर्न नहीं करना है, हमें सिर्फ ऊपर वाले को ही टर्न करना है, और इस तरह से यहाँ पर भी हमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस तरह से सेंटर रख के मैं सिलाई लगा लूँगी। सो फ्रेंड्स, ये फॉर्म होती है थोड़ी सिलाई होने के बाद थोड़ी परेशानी करती है, लेकिन ये आराम से सिल जाती है, क्योंकि मैंने इसे फिर ऊपर की तरफ शैंटून कपड़ा लगाया था, तो इसे मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई सिलने में। तो आप ये सोच रहे होगे मैंने इसे उल्टी तरफ से, मतलब सीधी तरफ से ही क्यों सिला है, तो मैं इसे आगे बताती हूँ आपको कि मैंने ऐसा क्यों किया है कि मैंने इसे सीधी की तरफ से सिला है। तो मैंने इसको इस तरह से ये सिल लिया है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है हमारा, बस जिप लगना रह गई है। हमारा ये बैग इस तरह से रेडी हो गया है। तो देखिए इसको मैं आपको बाद में बताऊंगी कि इसे का क्या करना है। तो इस तरह से हमें ये बैग को तैयार कर लिया है, और इस पर हम यहाँ पर इस तरह से सेंटर पकड़ के पिनअप कर लेंगे, और फिर हम यहाँ पर ज़िप लगा लेंगे। तो देखिए मैंने ज़िप लगा ली है, ये कुछ इस तरह से इस पर
ज़िप लग के इस तरह से रेडी हो गया है। तो देखिए कितना बड़ा बैग बना है, कितना सारा स्पेस है इसमें, कितने सारे हमारे कपड़े आ जाएंगे। और ये नीचे की जो साइड है इस पर मैं ब्राउन कलर का एक फीता लगा लूँगी। तो मैंने देखिए ये मेरा बैग हो गया है तैयार, और मैंने इस पर यहाँ पर फीता लगा लिया है। सो फ्रेंड्स, ये मेरा बैग का फाइनल लुक। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिए ये रहा है मेरा फाइनल लुक, ये मेरा बैग रेडी हो गया। मैंने इसमें रख लिए हैं अपने कपड़े। तो देखिए ये रहा, किस तरह से लग रहा है बैग, लग रहा है ना फ्रेंड्स अच्छा। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, मैंने बहुत मेहनत की है इसे बनाने में। सो फ्रेंड्स, बहुत इजी है ना, आपको बहुत पसंद आएगा, आप भी इसे घर पे आसानी से बना सकते हैं और अपने पापा के पैसे बचा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।